राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बस 16 दिन बाकी है और इस बीच भाजपा हो या फिर कांग्रेस, बड़े बड़े केंद्र के नेता राजस्थान में आ रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कुछ इसी तरह आज पी चिदंबरम, जो कि केंद्र में वित्त मंत्री रह चुके हैं, वकील है और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अभी प्रेस वार्ता की है PCC में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है, जो 7 गारंटी दी गई है, उनको लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि राजस्थान की जनता फिर से उन्हें मौका देगी सत्ता में आने के लिए, जिस प्रकार से हमने योजनाएं चलाई है और लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। जितनी भी योजनाएँ हैं उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा उन पर आक्रामक है, कई मुद्दों को लेकर घेरती हुई नज़र आ रही है और एक रिवाज भी रहा है राजस्थान में कि यहाँ पर सत्ता रिपीट नहीं होती है, तकरीबन 30 सालों से चलता हुआ आ रहा है, 3 दशक हो चुके हैं और कांग्रेस इस रिवाज को, इस परिपाटी को तोड़ना चाहती है और इसी लिए यहाँ पे वो नेता आ रहे हैं, फोकस बनाए हुए हैं, सेंटर से नेता आते हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 7 गारंटी लोगों को बताते हुए नज़र आ रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब देखना ये होता है कि भाजपा ये जो बताई गई है योजनाओं को बखान किया गया है, योजनाओं को इम्पोर्टेंस दी गई है और योजनाओं के आधार पर ये विधानसभा चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि जो हमने योजनाएं दी है लोगों को फ़ायदा पहुंचा है तो इस कारण से हमारी सरकार राजस्थान में बन सकती है, रिवाज टूट सकता है और कहीं ना कहीं भाजपा को भी चुनौती खड़ी हो गई है एक बड़ी कि इस बार हो सकता है कि इतनी आसानी से हम सत्ता में नहीं लौट सके। तो देखना होता है कि जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 16 दिन बाकी है चुनाव में, और क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।